रुपए 9 पैसे महंगा, कीमत 217.75 रुपए हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली के बिल आउट ऑफ कंट्रोल, शहरी सड़कों पर निकल आए। रावलपिंडी, कराची, लाहौर, मर्दान, तौंसा शरीफ समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट वापस लेने का मुतालबा। रावलपिंडी में मुजाहरीन ने जीटी रोड रवात ब्लॉक कर दिए, ट्रैफिक की लंबी कतारें लगी रही। लाहौर में शहरियों की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। पीटीआई हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों पर बरस पड़ी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर-ए-खजाना शौकत तरीन ने खबरदार किया कि मुल्की मईशत पर मुश्किल वक्त आने वाला है। एक माह में करंट अकाउंट खसारा $4 अरब से बढ़ गया। $6 अरब के रिजर्व ये खा गए। गुज़श्ता रोज के मिनी बजट के बाद एक और मिनी बजट आने वाला है। हम्माद अज़हर बोले, हुकूमत ने जून के महीने में महंगे दामों तेल खरीद लिया। नाअहली की वजह से पेट्रोल की कीमतें ऊपर गई। अगले महीने 10 रुपए फी यूनिट फ्यूल एडजस्टमेंट आनी है। शेख रशीद अहमद ने कहा, मुल्क का मुआशी और पीडीएम का सियासी दिवालिया हो गया। सबसे ज्यादा गेम चेंजर परेशान है कि ये क्या हो गया। मुल्क को सरहदों से नहीं अंदर से खतरा लाहक है। नून और शीन आमने सामने आने वाली है। चोर नारे से खौफ सदा, वज़रा बाहर नहीं निकल रहे। एक तरफ सैलाब है और दूसरी तरफ हुकूमत का अजाब है। बिजली के बिल गरीब की जेब पर डाका है जो पहले ही खाली थी। सोशल और डिजिटल मीडिया पर पाबंदी का वक्त गुजर गया, अब सिर्फ इलेक्शन का वक्त आने वाला है। वफाकी वजीर शरीफ रहमान ने कहा, जजेस और पुलिस अफसरान को धमकियां देने की रविश काबिले तफ्तीश है। एडिशनल सेशन जज को धमकी देने के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट की नोटिस को खुशायंत करार दिया। पीटीआई हुकूमत में आसिफ अली जरदारी का महीनों रिमांड दिया जाता था, ये 2 दिन का रिमांड पर जज को धमकी दे रहे हैं। गलती तस्लीम करने की बजाय इमरान खान अब भी मुल्क बंद करने की धमकियां दे रहे हैं। अमेरिका ने इमरान खान के खिलाफ मुकदमे को पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार दे दिया। स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान नेट प्राइस ने कहा, इमरान खान के इल्जामात के बारे में रिपोर्ट से वाकिफ है। अदलिया मुखालिफ तकारीर पर मुकदमा पाकिस्तान का कानूनी और अदालती मामला है, ये बराह रास्त अमरीका का मामला नहीं। हमारा किसी एक सियासी उम्मीदवार पर मौकिफ नहीं। पाकिस्तान और दुनिया भर में जमहूरी आइनी और कानूनी असूलों को पुरअमन तौर पर बरकरार रखने की हिमायत करते हैं। पीटीआई ममनुआ फंडिंग जब्त करने का केस, तहरीक इंसाफ ने मुतालिका दस्तावेजात जमा कराने और जवाब के लिए 4 हफ्ते का वक्त मांग लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, सारी दस्तावेजात तो पीटीआई केस में दे चुकी थी, 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त नहीं दे सकते। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई से 6 सितंबर तक जवाब तलब कर लिया। रुझान में ताहाल सैलाबी सूरत हाल बरकरार। हिफाजती बंद टूटने से सैलाबी पानी कच्ची आबादी समेत दीगर इलाकों में दाखिल। सैकड़ों बस्तियां सैलाबी पानी की नजर हो गई। इंडस हाईवे 2 रोज से बंद होने से रुझान का दीगर शहरों से राबता मुनकदा। कोहे सुलेमान पर बारिशों का सिलसिला थमने से सैलाब में कमी आना शुरू हो गई।